नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र फिर मैं आपके समक्ष हूँ अपना चौथा वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे 21वीं सदी के पंचशील के बारे में। आपने पंचशील का नाम तो सुना ही होगा, हमारे जातक कथाओं में, हमारी पुरानी कहानियों में कई बार पंचशील का जिक्र आया है। पंचशील जैसा कि नाम है, पांच आचरण। विभिन्न धर्मों ने भी पंचशील प्रतिपादित किया, चाहे भगवान महावीर जैन रहे हों, चाहे गौतम बुद्ध रहे हों। जिंदगी को जीने के लिए एक दर्शन उन्होंने दिया और बताया कि अगर ये पांच आचरण हम करें तो जिंदगी को अच्छी तरह जी सकते हैं। उसी प्रकार स्वतंत्र देश जब हुआ उसके बाद चाइना और इंडिया के बीच अच्छे रिलेशंस के लिए भी प्रधानमंत्री नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में एक पंचशील समझौता हुआ था, जिससे भारत और चीन का संबंध बेहतर रहे। हिंदी चीनी भाई भाई का एक नारा था। लेकिन आज हम किसी पंचशील की बात नहीं करने वाले, हम 21वीं सदी के पंचशील की बात करेंगे। और उस पंचशील का कारण ये है कि हमारे नेताओं ने, हमारे कलाम जैसे राष्ट्रपति ने एक सपना देखा था कि 21वीं सदी में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। भारत एक विकासशील देश नहीं रहेगा बल्कि विकसित देश होगा और हम पूरे देश को, पूरे संसार को नेतृत्व प्रदान करेंगे। कैसे हम उनके सपनों का भारत बनाएं, इसके लिए भी बहुत से विद्वानों के अपने मत हैं। और मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं एक और केमिकल इंजीनियर प्रोफेसर आर्य मासेलकर के पुणे साइंस कांग्रेस 2001 में दिए गए भाषण से उद्धृत करते हुए उनकी बातों को आज रखूंगा। पुणे साइंस कांग्रेस में मासेलकर साहब ने एक पंचशील की परिकल्पना की और उन्होंने कहा कि अगर हमें कलाम के सपनों का भारत बनाना है या अगर हमें 21वीं सदी के उत्तरार्ध में ही विश्व का नेतृत्व करना है तो हमें इन पांच बातों का ध्यान रखना होगा। और वे पांच बातों में सबसे पहली बात उन्होंने कही थी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा पद्धति थोड़ी अच्छी नहीं दिखती, कहीं ना कहीं हम आज भी मैकेलियन शिक्षा पद्धति से प्रभावित हैं। और वो शिक्षा पद्धति निश्चित ही भारत के लिए उचित इसलिए नहीं थी क्योंकि वो भारत में नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए नहीं थी बल्कि आदेश बजा लाने के लिए बनाई गई थी। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां हमें विश्व नेतृत्व की बात सोचना है, हमें नेतृत्व से परिपूर्ण गुणों वाले यूथ्स की जरूरत होगी। और हम जानते हैं कि भारत सबसे युवा देश है, यहां पर युवाओं की संख्या करीब 60 से 65% है। तो अगर हमें उचित प्रशिक्षण देना है, उनकी व्यक्तित्व का वो उचित रूप से निखारना है जिससे वे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाकर एक नेतृत्व प्रदान कर सकें, तो हमें अपने शिक्षा पद्धति का कंप्लीट ओवरहॉलिंग करनी है। हमें देखना होगा कि आज बच्चे क्यों नहीं जाना चाहते क्लासरूम्स में। अगर 75% अटेंडेंस की शायद जरूरत न होता तो बच्चे क्लास में न जाते। कहां कमी रह गई, कैसे क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाए, कैसे स्टूडेंट्स के हिसाब से एजुकेशन की परिकल्पना हो, जहां पार्टिसिपेटरी एजुकेशन की बात हो या एक प्रोजेक्ट बेस्ड, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग की बात हो जिससे उन्हें इंटरेस्ट पैदा हो। और जैसे वो स्पोर्ट्स एरिना में जाते हैं, जैसे वो म्यूजिकल कंसर्ट में जाते हैं, वैसे क्लासरूम में आए। अगर हम छोटे बच्चों की भी बात करें तो जब बच्चा सोने की अवस्था में होता है सुबह सुबह, तो हमारी माताएं जबरदस्ती उसे जगाती हैं, उसका मुंह पोछती हैं, कपड़ा पहना के उसे दूना पोछ का बस्ता लाट के डाल के उसे स्कूल भेज देती है। जब बच्चे का बायोलॉजिकल क्लॉक काम नहीं कर रहा है, आप उसे पढ़ाने भेजते हैं, सोचिए क्या उसके साथ न्याय हो रहा है या क्या उसकी लर्निंग सही हो रही है। तो लर्निंग के एटमोसफियर को बेहतर बनाने के लिए हमें एजुकेशन के कंप्लीट सिस्टम की ओवरहॉलिंग चाहिए और इसमें जो पॉलिसी मेकर्स हैं और शिक्षक हैं उनको बड़ा रोल अदा करना। दूसरा पंचशील का जो पॉइंट है, माओ कहते हैं वुमन सेंटर्ड फैमिली, परिवार मातृसत्तात्मक हो। विगत दशकों की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 1950 60 और 70 के दशक में भारत ने एक बहुत बड़ी गलती की। हमें कन्याओं के शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं दिया। वो देश जहां 135 करोड़ या 130 करोड़ के लोग जनसंख्या है, उसमें से आधी महिलाएं हैं, 65 करोड़। तो अगर वो विकास में पार्टिसिपेटरी मोड में नहीं होंगी तो हम विकास को जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते, उचित दिशा नहीं दे सकते। तो जरूरत है
कन्याओं को शिक्षित करने की, उनको बराबर मौका देने की। तो जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान है उसे हमें सशक्त बनाना होगा। और हमने देखा है कि पिता अगर कुछ कम पैसा लेकर भी घर आता है तो माताएं बड़े अच्छे ढंग से परिवार को चलाती हैं और अपने सभी बच्चों को शिक्षित करती हैं। तो कहने का मतलब उनके अंदर प्रबंधकीय गुण हैं, तो हमें उन प्रबंधकीय गुणों का प्रयोग करके भारत को आगे ले जाना होगा। अन्यथा अभी तक हमारी हालत उसी रथ की तरह थी जिसमें घोड़े बहुत बलशाली हैं, एक पहिया बहुत सुंदर है लेकिन दूसरा पहिया टूटा हुआ है। तो अगर घोड़े कितना भी प्रयत्न करें तो वो रथ सीधे न चल के गोल गोल घूमेगा और हमें बस भान होगा कि विकास हो रहा है, विकास नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है पंचशील का, उसे ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट कहते हैं, विकास मानव परक है। जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है वहां विकास में हर हाथ को काम, ये कॉन्सेप्ट को लाना होगा। अगर हमें सभी लोगों की शिक्षा देनी है, सबको शिक्षित करना है, तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि उनको काम मिले। तो हमें एमएसएमईज को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को, या कह दीजिए उन इंडस्ट्री पर ज्यादा जोर देना होगा जो मास इंप्लायर है, जिससे हर आदमी उत्साहित हो और देश के निर्माण में आगे बढ़े। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा था नॉलेज सेंटर्ड सोसाइटी। उन्होंने कहा समाज ज्ञान परक हो। आप जानते हैं ये सूचना युग है, गूगल पर एक क्लिक करके आप दुनिया की कोई इंफॉर्मेशन ले आ सकते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन समाज को किस रूप में उपयोगी होगा ये काम करना शिक्षकों का और जो ज्ञानियों का काम है। तो जरूरत है कि जो सूचनाओं को परिष्कृत करके समसामयिक ज्ञान में परिवर्तित कर सके, ऐसे लोगों की इज्जत की जाए, उनको समाज में आगे लाया जाए जिससे हमारा समाज ज्ञानी ज्ञान आधारित समाज बने। पांचवा और अंतिम पॉइंट उन्होंने कहा था इनोवेशन सेंटर्ड इंडिया। कहने का मतलब भारत में हर आदमी कॉपीकैट न हो, नकल करके आगे न बढ़े, केवल वो आदमी अच्छा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं और एक भीड़ चाल में आगे न जाए, बल्कि अपनी क्षमताओं के हिसाब से, अपने व्यक्तित्व के हिसाब से और अपने ज्ञान के हिसाब से वो कुछ इनोवेटिव काम करे, कुछ नया काम करे। जब इनोवेशन होगा तो हमारा बेहतर एंटरप्रेन्योरशिप के एवेन्यूज खुलते हैं और अच्छे अच्छे उद्यम लगाने का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पर मासेलकर साहब कहते हैं कि मैं तो वो सपना देखता हूँ कि जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या कोई भी अखबार खोलता हूँ उसके किसी पहले पन्ने पर लिखा हो कि फला साइंटिस्ट ने फिजिक्स का नोबल जीता या फला साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री का नोबल जीता। कहने का मतलब हमें भारत में शिक्षा व्यवस्था में इस तरह का परिवर्तन करना हो कि लर्निंग बेस्ड हो और लोग इनोवेट करके लर्न करें और इनोवेशन करने का कोशिश करें। ये इनोवेशन प्रोडक्टाइजेशन में हो सकता है, इनोवेशन मार्केटिंग में हो सकता है, ये इनोवेशन रॉ मटेरियल सिलेक्शन में हो सकता है, कुछ भी कहीं भी नवाचार की बहुत जबरदस्त जरूरत है। तो अगर हम इन पांचों आचरण का पालन करेंगे और इसके हिसाब से अपने देश की नीतियों का निर्धारण करेंगे तो हमें लगता है कि कलाम के सपनों का भारत बनाने में हम बड़ी आसानी से सफल होंगे। भाइयों, आज हमने आपसे पंचशील के बारे में कुछ बातचीत की। ये पंचशील कुछ और नहीं बल्कि हमें एक गाइडलाइन है कि हमारा आचरण कैसा हो, देश किस तरफ जाए जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो बाकी बातें हम अगले वीडियो में करते हैं। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे वीडियोज को सुनते रहें, उस पर आप अपनी क्रिटिकल कमेंट देते रहें जिससे मैं इन्हें कुछ और इम्प्रूव कर सकूं और आपको कुछ बेहतर देने की दिशा में एक साथ में कोशिश हो। धन्यवाद।